स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आरआरसीएनईआर की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 1104 पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी 2024-25 के लिए आ चुकी है, जिसके कि फॉर्म आपके यहां पे एक महीने तक पूरे भरे जाएंगे। आप देख सकते हैं 13 जून को ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है। तो एक बार नोटिफिकेशन पे सरसरी निगाह डाल लेते हैं, इसके बाद कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर सकते हैं उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं आजकल वीडियो को, इस वजह से वीडियो पर व्यूज़ भी नहीं आ रहे, तो प्लीज़ लाइक वाला बटन प्रेस कीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। 11 जुलाई 2024 यहाँ पर लास्ट डेट होगी। फॉर्म में अगर देखें वैकेंसी तो ये 9 यूनिट्स हैं, इन सबको आप प्रेफरेंस में दे सकते हैं फॉर्म भरते टाइम। यानी ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एक जहाँ से फॉर्म भरें। कुल वैकेंसी है 1104, इसके डिटेल नोटिस पे ऑलरेडी वीडियो हम बना चुके हैं। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप एंड ट्रेड वाइज ब्रेकअप आपको यहाँ लिस्ट में दिख जाएगा, तो अपना ट्रेड एक बार आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन भी हमने शेयर कर दिया है टेलीग्राम पे, नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पे तो वहाँ पे भी आप लोग जरूर जुड़ लीजिएगा। वहाँ पे सभी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट PDF सब हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है, या आप सर्च करके जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। एज लिमिट इसमें 15 साल से लेकर 24 साल तक है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की इसमें छूट मिल जाएगी। एंड फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC एंड AWS मेल कैंडिडेट्स की 100 रुपये फीस लगेगी, SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स की यहां पे कोई फीस नहीं है। अब चलिए चलते हैं फॉर्म अप्लाई करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे। यहां आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है इसको भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर ऑनलाइन फॉर्म कम्प्लीट करना है। लॉगिन डिटेल आपको मिल जाएगी SMS और ईमेल में। लॉगिन करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, एग्जाम फीस अगर लगनी तो उसे पे करना है, प्रिंट एंड डाउनलोड कर लेना है। ये स्टेप्स यहाँ पे होने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ये लॉगिन ऑप्शन है, नीचे आप आएंगे अगर यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल रहा है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सबसे पहले वैकेंसी जो स्लॉट्स हैं 1104 दिख जाएंगे। कैटेगरी वाइज आपको कौन कौन सी वैकेंसी किस किस पोस्ट पे कितनी वो भी आपको दिख जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस अपना चूज कर सकते हैं। सबसे नीचे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली का ऑप्शन आएगा और प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपका यहाँ दिख जाएगा, आपको यहाँ ट्रेड चूज करना है। अब यहाँ पर हम कोई एक ट्रेड चूज कर लेते हैं, नेक्स्ट आपको क्लिक करना है। आर यू डिफरेंटली एबल्ड, अगर आप 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो आप यस करेंगे यहाँ पे, उसका फिर डिटेल देंगे, अदरवाइज आप नो करके नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। ट्रेड आ गया इलेक्ट्रीशियन, डिफरेंटली एबल्ड में आ गया नो, कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे अब यहाँ आपको कैंडिडेट नेम एंटर करने के लिए बोला जाएगा, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर जो कीबोर्ड है इसे आप लोगों के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी हो। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना नाम एंटर करना है, फुल नेम एंटर करिएगा जो आपका 10th के मार्कशीट में है। मम्मी का नाम एंटर करना है आपको। नेक्स्ट आना है आपको अपनी कम्युनिटी चूज़ करनी, यहाँ हम रिजर्व कम्युनिटी चूज करेंगे, आगे देखेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा नहीं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपको जो सेलेक्ट करना रहेगा वो रहेगा जेंडर, जेंडर चूज करेंगे, आपका रिलीजन चूज करेंगे। आधार नंबर यहाँ मैंडेटरी है, उसे आपको देना पड़ेगा। एक्स सर्विस मैन है, यस या नो आप कर सकते हैं। आर यू अवार्ड ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, अगर आप एक्स सर्विस मैन या चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग जवान में तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अब यहाँ आपको अपनी मेल आईडी देनी है, मेल आईडी एंटर कर देते हैं। मेल आईडी के बाद आपको कन्फर्म करना है मेल आईडी को अपनी, तो उसको कन्फर्म करने के लिए आपको वो एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, एंटर कर लिया आपने मेल आईडी। नेक्स्ट आपका आता है मोबाइल नंबर, इस पर आपका एंड मेल आईडी पे आपका लॉगिन डिटेल जाने वाला है। अगला नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो जो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हो उसे आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना फुल एड्रेस फिल करना है, तो एड्रेस ज़रूर आप फिल कीजिएगा। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ सेम पे क्लिक कर देंगे, आपके दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है 10th का डिटेल, अब 10th क्लास का आपको इन्फॉर्मेशन देना है। सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर इंटर करना है, इसके बाद आपने 10th कहाँ से पास किया है। ठीक है, लगभग यहाँ सारे बोर्ड के नाम हैं, अगर आपको अपने बोर्ड का नाम यहाँ नहीं दिखता है उस केस में आप चाहें तो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, अदर करके एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उसे भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे सभी बोर्ड के नाम यहाँ पे मेंशन हैं, तो आप वहाँ से आसानी से ड्रॉप डाउन में एक बार देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ यूपी बोर्ड भी है, हम यूपी बोर्ड चूज़ कर लेते हैं। कितने मार्क्स आपको मिले थे, ठीक है, यहाँ मार्क्स आप जो प्राप्त किए हैं वो आपको देना, हम मिनिमम ही यहाँ पर रखेंगे, आप लोग वो रखिएगा जो आपको एक्चुअल में मिला है। ठीक है, ये हो गया। किस साल आपने पास किया, पासिंग ईयर आपको चूज़ करना है, पासिंग ईयर जैसे ही आप यहाँ चूज़ कर लेते हैं। अब आता है ITI की इन्फॉर्मेशन, ITI का आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है,
आईटीआई के इंस्टीट्यूट का आपको नाम लिखना है, आपने कहाँ से अपनी आईटीआई की पढ़ाई की है। नेक्स्ट है पासिंग ईयर, आपने आईटीआई किस सन में पास किया है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। कितने मार्क्स आपको आईटीआई में मिले और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो एंटर करेंगे, आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसे हम और कम कर देते हैं जिससे किसी का लॉस ना हो, इसकी वजह से हो गया। अब आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आगे आप आएंगे, यहाँ पे आपको सिंपली जो कैप्चा कोड है ये आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। कंटिन्यू करेंगे, इन सब चीज़ों को एक बार आप वेरीफाई कर लेंगे, अगर सारा डेटा करेक्ट है तभी आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आगे सबमिट करेंगे। जैसे यहाँ आप सबमिट करेंगे, अब आपका जो लॉगिन डिटेल है यहाँ पे देखिए आ जाएगा आपके सामने ही, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया आपको एंड साथ में आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा। अब आपको कर लेना है इसी डिटेल के साथ लॉगिन करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड जो आपका पासवर्ड है उसे एंटर करके लॉगिन कर लेना है। यहाँ लॉगिन करने के बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने सबसे पहले यूनिट प्रेफरेंस आएगा, आप कहाँ कहाँ कौन सी यूनिट देना चाहते हैं। ठीक है, तो वो यूनिट आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, जितनी यूनिट्स हैं आप सबको चूज कर सकते हैं, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप लोग चूज कीजिएगा ट्रेड एंड सब कुछ देख के। पूरी 9 यूनिट आपको चूज करनी है, आगे आप कंटिन्यू करके बढ़ेंगे। जैसे आप आगे बढ़ते हैं अब आपको यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, पहले फ़ोटो फिर आपको सिग्नेचर। दोनों की अगर गाइडलाइन की बात करें यहाँ पर तो फ़ोटो और सिग्नेचर आपका 50 KB तक का होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, 50 KB, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 300 KB तक के होने चाहिए, 5 KB से कम नहीं होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और फोटो और सिग्नेचर जो आपका ये JPG एंड PNG चलेगा। ठीक है, तो फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको यहाँ अपलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अपलोड पर क्लिक करेंगे यहाँ देखिए आपका दिखाएगा एप्लीकेशन स्टेटस में कंप्लीटेड, यानी आपका एप्लीकेशन अब कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट नहीं लगने वाला। हमने कैटेगरी ऐसी चूज की थी जिनका पेमेंट लगेगा, इस स्टेप के बाद आपको पहले पेमेंट करना होगा 100 रुपये का, फिर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे जो 3 आपको लाइन दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना, यहाँ आप देखेंगे एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, नीचे आपको लॉगआउट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आप क्लिक करिए, आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो। इस तरह से आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा जिससे आप अपने पास डाउनलोड करके इसका PDF जरूर रख लीजिएगा, जिससे कि आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए तो आप लोग वहाँ पे इसको प्रस्तुत कर सकें। तो आई होप अब आप लोग आसानी से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। जिनको भी पेमेंट करना है 100 रुपये का, वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, किसी से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। इन बिटवीन अगर आप अपना फॉर्म छोड़ देते हैं, बीच में भी आप जब चाहें अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके अगेन आप जो है यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपको कंप्लीट करना है, जहाँ पे आपने फॉर्म छोड़ा वहीं पे आपको फॉर्म वापस मिलेगा, वहीं से आपको कंप्लीट करना होगा। 11 जुलाई से पहले पहले आप लोगों को फॉर्म भर लेना है एंड यहाँ पे जैसे फॉर्म कंप्लीट होगा इसके कुछ दिनों के बाद यहाँ पे पहले रिजेक्ट मेरिट लिस्ट आता है, फिर सेलेक्टेड मेरिट लिस्ट आता है, फिर DV होता है, फिर आपका ज्वाइनिंग होता है, जैसा कि अभी पहले वाले प्रोसेस का चल रहा है। सिर्फ अभी तक पहली ज्वाइनिंग आई है, इसके बाद का अभी प्रोसेस आने वाले टाइम में चलने वाला है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।